ये तो एक तरह से मैं ये समझता हूं कि उनकी निजात हो गई, वरना ऐसी जितनी हत्याएं हुई है, मैं एक को भी ये नहीं मानता कि उन्हें इंसाफ मिला है। वो तमाम हत्याएं हैं और हर हत्या अपना इंसाफ मांग रही है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। या तो अदालत इंसाफ करे, क्या योगी आदित्यनाथ के सारे क्लियर कर दीजिए, वो जो आपने क्या योगी आदित्यनाथ के सारे हत्याकांड किया, आपने जो सबसे पहले 120 की मील की बात, मैं बता रहा हूं कि इसमें जांच का विषय है, इसमें जिन जिन लोगों की संलिप्तता है उन तमाम पर कार्रवाई की जानी चाहिए। 120 भी सिर्फ तीन हत्यारों की बात नहीं है, इसके और कौन से अधिकारी शामिल है, कि बड़े बड़े अधिकारी हैं, पीछे सर के कौन लोग शामिल है, इसके पीछे मुख्यमंत्री का कोई हाथ है कि नहीं है। अभी आपने कहा था, मैं कह रहा हूँ ऐसे तमाम लोगों को 120 बी के तहत गिरफ्तार किया गया। अरे हम तो मिट्टी में मिलने वाले लोग हैं, हमें मिट्टी में ही मिलना, और मिट्टी में मिलने से किसने बचना है। लेकिन धर्म विशेष की बुनियाद पर अगर किसी को निशाना बनाकर इस किस्म की साजिश रची जाती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने सदन के पटल पर ये बात कही है, खुलेआम ये बात कही है कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो सिर्फ यही मिट्टी में क्यों मिलाए गए, ऐसे कितने माफिया है वो तमाम मिट्टी में मिला। मैं नहीं कहता, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि इस किस्म की कार्रवाई और लोगों के साथ हो, लेकिन मुख्यमंत्री जवाब दे और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, प्रशासन उनके कंट्रोल में नहीं है। अगर कंट्रोल में है तो परसों मेरा धरना रोक कर दिखाओ। कि अपना धरना शांतिपूर्ण तरीके से होगा, मेरा धरना हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता है। जिस तरह उन तीन मर्डरर ने इस तरह अपने आप को सरेंडर किया है, पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई जबकि उसको चलाना चाहिए था। तो उस तमाम विषय पर हमें बात नहीं, वो पूरी दुनिया ने देख लिया। हम इस अंदाज में जाएंगे पूरे देश में इस वक्त जंगल राज किसी स्थिति है। अब मेरे मीडिया प्रभारी के घर पे नोटिस चस्पा कर दिया गया, क्योंकि मैंने आप लोगों को इत्तला देने के लिए उनसे कहा था। तो अब आप जाने कि भाई मीडिया प्रभारी को किस बात का नोटिस दिया गया है। सरदस्त मेरा इस तरह कहना है कि जो हालात उत्तर प्रदेश के हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं, और हर बाशऊर आदमी इस बात को महसूस करता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये जुल्म है और जुल्म की इंतहा है। मैं किसी खास की हिमायत या मुखालफत नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि विकास दुबे से लेकर आज तक जितने इनकाउंटर हुए हैं उन सबके दोषी अगर कोई है तो सिर्फ एक आदमी है। उस आदमी को 120 बी का मुल्ज़िम तो जरूर बनाया जाना चाहिए, जो कहता है कि मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिला देता है। तो उस साजिश में वो बराबर का शरीक है, सिर्फ अरुण को या लवलेश को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाने से काम नहीं चलेगा, इंक्वायरी उनके खिलाफ भी होनी चाहिए जो इस साजिश में मुलव्वस हैं। और मेरा मानना यह है कि पुलिस और गुंडे जराइम पेशा तमाम लोगों में एक गठबंधन बन गया है और इनकी सरपरस्ती हुकूमत कर रही है। ये गठबंधन अगर नहीं टूटा तो देश में हालात बद से बदतर हो जाएंगे, और हम चाहते हैं कि किसी भी सूरत में हमारे प्रदेश हमारे देश के हालात खराब ना हो, अमन व अमान बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे। इसके लिए हम कोशा हैं और इस कोशिश में
पुलिस भी हमारा इसलिए साथ नहीं दे रही है क्योंकि पुलिस बराबर की उन तमाम जराइम में शरीक है। ये जो हादसा हुआ है, मैं किसी वाक्य का कर...